हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम ग्योलोज, द यूपीएससी प्रेमिंग क्लास में आपका स्वागत करते हैं। देन आज फिर से हम पार्ट 7 देखने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें हमारे अलग अलग टॉपिक कवर होंगे। जैसे मध्य प्रदेश का एक अलग टॉपिक है, 20 नंबर का आने की संभावना है। 20 नंबर में से एटलीस्ट 5 से 6 नंबर का एमपी आ सकता है जीएस के पोर्शन में, और ग्राम और पंचायती राज व्यवस्था 20 नंबर का परफेक्ट आने की उम्मीद है। तो जिस कारण से 40 यहाँ पे हम 25 नंबर पे फोकस कर रहे हैं। इससे पहले मैं 6 वीडियो डाल चुका हूँ एमपी और पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था के, तो वो भी वॉच कर लीजिए जिन लोगों ने देखा नहीं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए। आज का हम देखते हैं सारे मिक्सअप क्वेश्चन है जो मैं पुराने पेपर से भी लाया फाइंड करके, जो मोस्ट एमपी है, जो आपके ब्लॉक एग्जाम में पूछे गए थे, तो उस टाइप के आने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। देन हम देखते हैं ग्राम समाज, ग्रामीण समाज क्या है। हमेशा ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये ब्लॉक एग्जाम में पूछा गया था। समुदाय के रहता है, किसने ग्रामीण समुदाय को लघु 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 गणतंत्र किसने कहा था, ये देन अनादर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। तो आप याद रखिए, मेट काफ याद रखिए, मेट काफ याद रख सकते हैं, लघु संविधान। देन उसके बाद बोला गया, अर्बनिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ किसकी बुक है, तो लुईस वर्थ की बुक है। देन उसके बाद मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2 से 3 एग्जाम पूछा गया, मध्य प्रदेश किस अवसर पर देवारी गीत गाया जाता है, तो आप ध्यान रखिए देवारी से दी और दिवाली पे गाया जाता है, डी डी याद रख सकते हैं आप। देन प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में कब आया, तो ये ध्यान रखिए मध्य प्रदेश में 1974 में लाया। और अगर आपको एक और क्वेश्चन याद कराना चाहूंगा, भारत में आया तो ये 19 अप्रैल 1973 में आया, और कहाँ पर आया था ये ध्यान रखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश में 1974 में अगले साल आया है मध्य प्रदेश में, और कहाँ पर आया है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। अब प्रोजेक्ट टाइगर पूरे भारत में 38 जगह है, कहाँ कितनी जगह, ये अभी लेटेस्ट डाटा है 2017 का, कितनी जगह, 38 जगह, जिसमें से 6 जगह कौन कौन सी मध्य प्रदेश की है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, बीके से याद रख सकते हैं आप, बीके बकवास याद रख सकते हैं, बीके P2S2, ठीक है, P2 और S2, P से 2 है और S से 2 है, तो ध्यान रखिए B से कौन सा गया, बांधोगढ़, K से काना, अब P से 2 है तो P से मध्य प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क है, पन्ना और पेच, और S से भी 2 नेशनल पार्क है, सतपुड़ा और संजय। तो ये आपके कवर भी हो गए, अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर नहीं है, और 3 वो इसमें से ऑप्शन ले देंगे और एक अलग से दे देंगे। तो आप ध्यान रखिए ये 6 नाम भी याद हो गए, और कब शुरू हुआ मध्य प्रदेश में और भारत में और कौन कौन से नेशनल पार्क में, ये 8 क्वेश्चन कवर हो गए। देन देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी हाइट पूछी गई 1350 है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन याद करते हैं, आपके मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। तो ध्यान रखिए धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर, और मनुष्य के दिमाग का भार या ब्रेन का भार बोल सकते हैं 1350 ग्राम, या फिर आप पूछ सकते हैं 1.35 ग्राम भी आ सकता है, 1.35 kg भी आ सकता है। देन अभी करंट का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर याद रखिए 181 डायल अभी लेटेस्ट हुआ है। देन उसके बाद यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन और याद करा रहा हूं मैं, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे। तो आप ध्यान रखिए चंबल नदी पे क्या उगती है, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, चंबल नदी पे गाजर उगती है, क्या उगती है, गाजर। तो आपको यहाँ 3 याद हो जाएंगे, ग से गांधी, ज से ज्वार सागर, और र से राणा प्रताप जो राजस्थान में है। तो ये 3 जो बांध है, गांधी, ज्वार, ज्वार और राणा, ये तीनों ने तीनों कहाँ आ गए, तीनों बांध चंबल नदी पे हो गए। तो ये आपको याद हो गए 3 क्वेश्चन। देन हम देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थान कितनी कितने सामान्य निर्वाचन करा निर्वाचन कर करा जा चुका है। तो ये ध्यान रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये अभी ब्लॉक एग्जाम में आपको आया था, तो जिस कारण से मैंने ये फाइंड करा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो कितनी बार निर्वाचन हो चुका है, अभी तक 5 बार हो चुका है, ध्यान रखिए। देन उसके बाद वापिस उसी एग्जाम में पूछा, मध्य प्रदेश पंचायती सचिव भर्ती एवं 2011 कब प्रभावशाली हुई, प्रभावशाली मतलब कब हुई है, तो ध्यान रखिए पंचायती सचिव की भर्ती प्रभावशाली हुई 23 मार्च, ये भी पूछा गया था, तो आप याद रख सकते 23, और मार्च का महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कोड क्या याद रख सकते हैं, 3 याद रख सकते हैं। अब इसमें से याद करना हो 2011
तो ये ध्यान रख सकते हैं, तीन में से दो जाएंगे तो एक बचेगा, और याले तीन में से भी दो जाएंगे तो एक बचेगा, मतलब 2011, 23 3 2011 याद रख सकते हैं। देन वापिस से पूछा गया चतुर्थ चतुर्थ के समान निर्वाचन के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत में कुल कितने प्रतिनिधियों ने निर्वाचन करा, तो ये ध्यान रखिए ब्लॉक के एग्जाम वापिस पूछा गया था 2016 के एग्जाम में, 3.97 लाख जनों ने क्या करा था इसमें निर्वाचन हुए थे, देन भाग लिया था। मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी बार ग्राम सभाएं आयोजित होती थी, ध्यान रखिए मैं मध्य प्रदेश में 0 टाइम 4 बार होती है, जनरली दूसरी बुक में मैंने फाइंड आउट करा था 3 लिखा था मगर वो 3 नहीं 4 है, उसको करेक्शन कर लेना। देन मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2002 2009 2010, अभी यहाँ ध्यान रखिए मुख्यमंत्री बोल रहा है तो मुख्यमंत्री 2009 और 2010, और राम रोटी भी कब चालू हुई थी तो 2010 में, मैंने इसके पहले वीडियो में याद कराया था 10 में। अगर आपको यहाँ मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री मिल जाता तो ध्यान रखिए प्रधानमंत्री 2000 में आए थे और मुख्यमंत्री अभी है ये 2009 और 2010, यहाँ पे दो क्वेश्चन याद हो रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था प्रधानमंत्री 2000 में आए थे, मुख्यमंत्री 2009-10 में आए थे। देन उसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्न पंचायती अधिनियम बनाया गया, कब कब बनाया, 1962 1981 और 1990, 1981 तो आप लोगों को याद होगा क्योंकि मैंने इससे 8 से 10 क्वेश्चन याद कराए थे 1981, और 62 और 1990, तो आप ध्यान रखिए 1962 में क्या ये कोड याद रख सकते हैं, फेसबुक याद रख सकते हैं, एच ए हाँ याद रख सकते हैं, और एनओ नो याद रख सकते हैं, यानी 3 बार तीनों ईयर याद रहेंगे, मतलब आपको फेसबुक पे किसी को जवाब देना है ये आपके ऊपर है हाँ या ना, तो इसे याद रख सकते हैं फेसबुक पे हाँ या ना, तो फेसबुक मतलब 62, हाँ मतलब 81, ना मतलब 90, तो ये तीनों ईयर आप याद रख सकते हैं कब कब हुआ था। देन उसके बाद मोस्ट एमपी क्वेश्चन, मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा महिला और पुरुष के लिए न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित करा, दोनों के लिए 157 रुपये प्रतिदिन रखा गया है, तो ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। देन उसके बाद 13वें वित्त आयोग, ये अभी 2017 में एग्जाम में एमपी के एग्जाम पूछा गया था, 13वें वित्त आयोग 2010 से 2015 तक के त्रिस्तरीय पंचायत, तो ये आपके पंचायती का मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन सकता है, कितनी राशि स्वीकृत कर गई, तो ध्यान रखिए 4306 करोड़ रुपीस की राशि जो है नामांकित कर गई। देन सभा स्तर में सर्वश्रेष्ठ जनपद, जनपद की बात कर रहे हैं, पंचायत को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाता है, तो ध्यान रखिए 5 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। देन उसके बाद प्रत्येक विकास खंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनपद की थी विकास खंड के, और ये ग्राम पंचायत है, यहाँ जनपद पंचायत, जनपद में 5 लाख और ग्राम पंचायत में सर पुरस्कार दिया जाएगा आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। देन उसके बाद यूएन वुमेन कार्यक्रम के संचालन माध्यम से कहाँ किया गया, यूएन ये ध्यान रखिए ये पूछा गया था अभी एग्जाम में, देन कहाँ झाबुआ और सियोर में कराया गया, यूनाइटेड नेशन वुमेन कार्यक्रम ईश्वर, ये थे आपके 30 से 32 क्वेश्चन आईएमपी, रोज में ऐसे लेक्चर डालते रहूंगा। देन आपको वीडियो कैसा लगा नीचे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू सो मच।